आपके लिए दो दो लाइन गाऊंगी। स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों से। तो बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच।
बचपन सब वहीं बीता। तो मासी लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबलपुर में तो मैं पैदा भी जहाँ मेरी बड़ी मौसी रहती है, तो मौसी ने बचपन से मुझे बहुत प्यार किया। मैं वो खिलौनों का इतना शौक था मेरे लिए, प्लास्टिक वाले कप प्लेट लेके आती थी ताकि मैं खेलूं। तो मतलब उन लोगों ने बहुत वैसे पाला कि पता ही नहीं लगा कि मम्मी कौन है, मासी कौन है। मेरी दूसरी वाली जो मासी है वो ऐसे तो भैया को दादा मानती है पर मुझे पता है मेरे को बहुत प्यार करती है वो। फिर मेरी सबसे छोटी मौसी तो आप लोगों को पता है एंकरिंग कर रही है, और मेरी एक और मौसी है जो इनके रन्नू मौसी। ये दोनों हमने सारा बचपन इनके साथ बिताया। बहुत डांट पड़ी, बहुत बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब उन्होंने सिखाया, मारा भी। और हाँ, बहुत काम करना है बहुत काम करना है। पंखा लगवाने के एक टेरे में मिलती थी, आजकल एक टेरे शब्द कोई नहीं मानता, नहीं थे उस टाइम कई टेरे में हम मानते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम और करवाती थी मौसी को। मुझे एक बार इतनी सारी मिर्चियाँ भी खिलाई थी और फिर डांटना पड़े तो बहुत सारा मिठाई खिलाया उसके बाद। प्लेस है मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा। और मामी फिर हमारी लाइफ में मामा ने मामी लेके आए तो वो बहुत मस्त इंसान है, बहुत मस्त। मतलब जैसे जो उनके साथ अगर दोस्त जैसे रहता तो उसके साथ दोस्त जैसी है। तो मैंने तो बहुत कुछ उनसे शेयर किया है, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि यार आप मामी हो मेरी। और मामा तो थोड़ा सा कम बोलते हैं, मैंने भी थोड़ा कम बोला है मामा से, पर वो बहुत समझदार इंसान है बहुत ज्यादा। हाँ, मेरी मम्मी और मेरे मामा थोड़ा गुस्सा करते हैं तो सब करते हैं उनसे, लेकिन पता है कि घर में कुछ लोग का स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। आप कुछ मेरी बुआ के बारे में बोल दिया जाए। हम वैसे तो 2008 में मैं मिली थी पहली बार उनसे, पर ऐसा है कि आंटी, मैंने आंटी की हर चीज मतलब जो भी है सब कुछ बहुत अच्छे से समझती हैं। हर कुछ उनसे मैं बोल देती हूँ, खूब मजाक कर लेती हूँ, और सिमैया की खीर हमेशा याद आएगी मुझको, हमें जब भी आऊंगी तब आपको खिलानी पड़ेगी। और मेरे फूफा जी एकदम मस्त इंसान है, वो एक लौते ऐसे फूफा है जो शादी में नाराज नहीं होंगे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक इंसान और है जिसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगी, वो सुनीता है। बचपन से वही उन्होंने देखा मुझे बड़े होते हुए, बचपन से चढ़ाया करती थी कि तुम्हारे ससुराल से जो साड़ी आएगी वो पहनूंगी तो आज वो दिन आ गया, पहन लेना। तो बस अब मैं चलूं मम्मू के बारे में। ये तीनों चारों मेरे जो भाई बहन है, मतलब शायद ये शादी में नहीं होते तो मेरा काम भी हो पाते बहुत सारे। बहुत समझदार, बहुत अच्छे भाई बहन है, मतलब चाहे गौरी हो चाहे नंदी हो, मुझे बस इतना बोलना पड़ता है ये तुम्हें सौंप दिया ये कर देना, हर एक चीज समझी है उन्होंने। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी, ऐसे ही हमेशा रहना साथ। अच्छी गाने विद इन 10 मिनट्स।